बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस वैसे तो है मेंटल डिसऑर्डर, और इसमें मूड चेंजेस होते हैं, अनयूजुअल मूड चेंजेस होते हैं, घपाघप, किसी को आप लगता है बहुत अच्छा लगता है, फिर एकदम से सैड हो जाते हैं, एकदम से होपलेस हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर एक्टिव हो जाते हैं, राइट, और उनके मूड स्विंग होते रहते हैं, नॉर्मल भी रहता है बीच बीच में, फिर हो जाता है एक काइंड ऑफ बीच में, बहुत ज़्यादा मेनिया जैसा भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसा भी हो जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर, इसलिए बाइपोलर बोलते हैं, एक्सट्रीम पोल्स में खेलते रहते हैं, ये बाइपोलर होता है। इसका कोई कॉज क्लियर नहीं है, लेकिन ये फैमिलियल जेनेटिक होता है, आपके फैमिली में भी कोई ना कोई होगा इस तरीका का गुस्सैल या समथिंग लाइक दैट, और ये स्टार्ट होता है टीनेज में, एडल्ट ग्रुप के टाइम पे, बच्चों में भी देखा जा सकता है, और लाइफ टाइम तक रह सकता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको है, तो साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेनी होगी, चेकअप करना होता है, साइकियाट्रिक इवेल्युएशन होता है, ट्रीटमेंट में आपके, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आएगा, ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, जॉब में प्रॉब्लम होगा, स्कूल में प्रॉब्लम होगा, कई लोग इतने डिप्रेशन उनमें चल जाते हैं कि अपने आप को हार्म करने की बात सोचते हैं, ऐसे में ट्रीटमेंट इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि आपको ये सिम्टम कंट्रोल, नॉर्मल लाइफ जिए जा सके, चाहे वो सिंपल दवा से हो या फिर टॉक थेरेपी, बातचीत वाली थेरेपी से हो, या कॉम्बिनेशन सबसे अच्छी काम करती है, कौन देगा, साइकियाट्रिस्ट, क्या आप पागल हो, नहीं आप पागल नहीं हो, राइट, ये एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी फीलिंग आपके कंट्रोल में नहीं रहती, राइट, सो डोंट वरी अबाउट इट, गो एंड चेक आउट इसको, ये कंट्रोल हो सकता है, राइट, दैट्स इन शॉर्ट अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर।